नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे लौंजी भी कह सकते हैं या आप खट्टी मीठे अचार भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने बड़े साइज का आंवला लिया है, ये 10-11 आंवला है। और यहाँ मैंने कुकर रखा है, इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और ये आंवला इसमें डाल दूंगी। इसे हम 3 से 4 विसल लगाएंगे। ये आपके कुकर पर डिपेंड करता है कि आपका आंवला 2 सीटी में पकता है या 4 सीटी में पकता है। चलिए, हमारी चटनी लग चुकी है। अच्छे से पक गया, हम इसे यहाँ निकाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमारा ये ठंडा हो चुका है, देखिए पानी निकल गया है, हमने अलग से निकाल लिया है। हमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम इसमें से बीज निकाल लेंगे। अब इसे हम मैश करेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर यूज कर सकते हैं। मेरे पास मैशर नहीं है तो मैं ये प्लेन ग्लास यूज कर रही हूँ। मैं मैश करूंगी, देखिए मैंने मैश कर दिया। और मैंने यहाँ कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम ये डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हमें इसे लो ही फ्लेम में पकाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच कलौंजी जिसे मगरेला कहते हैं, आधा छोटा चम्मच साबुत कुटी हुई धनिया, एक बड़ा चम्मच सौंफ। अब इसे हम अच्छे से हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं रखना। चलिए, खुशबू आना शुरू हो गया है। अब इसे हम ये ऐड कर देंगे, ये जो आंवला जिसे हमने मैश किया था। अच्छे से हम इसमें पकाएंगे, इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाए, जिससे कि हम ज्यादा टाइम तक इसे स्टोर करके रख सकें। पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। अब ये अच्छे से भून चुका है, इसमें हम ये डालेंगे 1 कप गुड़ जिसे मैंने क्रश कर दिया था। इसको हम अच्छे से इसके साथ पकाएंगे जब तक हमारा गुड़ पिघल नहीं जाता। ये देखिए, हमें अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने देना है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
ये बच्चों के लिए, जैसे आजकल बच्चों में विटामिन आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आप ये जरूर बनाएं और बच्चों को जरूर दें। और खासकर ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लड़कियों में आजकल ज्यादा विटामिन और आयरन की कमी रहती है। तो मैं यही कहूंगी ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा है और ये जरूर बनाएं। अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे, थोड़ा सा रह रहा है। देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें वही मसाला यूज होगा जो हम अक्सर अचार में यूज डालते हैं। चलिए कि एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये कुटी हुई काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और ये नमक। और अब हम डालेंगे ये काला नमक, इसको भी अच्छे से हम मिलाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इसमें से। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम में पकाएंगे हिलाते हुए। लीजिए हमारी खट्टी मीठी चटनी गोंजी बनके तैयार है आंवला की। इसे आप ज्यादा टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अभी ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें अब गैस ऑफ करना है। इसे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे, ये ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। चलिए गैस करते हैं ऑफ। विटामिन और आयरन से भरपूर हमारी आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।